बरेली यूपी सपा नेता अताउर रहमान ने की क्षेत्र में ताबड़तोड़ सभाएं। इस दौरान भाजपा व बसपा छोड़ सैकड़ों लोगों ने सपा का दामन थामा। सपा नेता अताउर रहमान ने अनेक गांवों में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सपा नेता अताउर रहमान ने पूर्व में समाजवादी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। साथ ही पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल व गैस के दामों ने जनता की कमर तोड़ दी। सरकार जहां उज्ज्वला योजना का प्रचार कर रही है, वहीं गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इस बार हम माननीय अतुल रहमान जी को चुनना चाहेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे पुराने नेता हैं और उनकी तरह जो काम वो करते हैं कोई भी काम नहीं कर पाता है। आपको पता ही है, जैसे कि विकास का कोई नाम ही नहीं है। भैया, विधानसभा में क्या चर्चा चल रही है? विधानसभा में इस बार यही लहर है कि आने वाला जो टाइम है अखिलेश यादव जी की सरकार बननी है और हमारे यहाँ से माननीय अतुल रहमान जी पूरी फुल वोटों से विजय बनेंगे। आपका सपोर्ट किसको है? मेरा सपोर्ट माननीय अतुल रहमान जी को है। आप किस गांव के रहने वाले? मेरे दो जगह गांव हैं, एक देवीपुरा गांव जहां मैं मेरी जन्मभूमि है, दूसरा स्टम है सिरसा फार्म जो उत्तराखंड बॉर्डर के साथ में लगता है। तो आपके गांवों में क्या लहर चल रही है, बताएंगे? मेरे गांव में यही लहर चल रही है, अब की किसान भी और मजदूर भी सब एक हैं। इस बार मुलायम सिंह जी की सरकार ही आनी है। आपका नाम क्या? जी मोहम्मद जावेद। आप किसको चुनना चाहेंगे विधानसभा? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आखिरकार आप समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उनके जो विकास कार्य हैं उनकी गिनती नहीं कराई जा सकती, इतनी विकास कार्य कराए हैं, जबकि समाज भारतीय जनता पार्टी ने उनके बना किए गए कार्यों का ही फीता काटा है। मौजूदा विधायक ने क्या कोई कार्य नहीं कराया? उनके कार्यों की गिनती नहीं की जाती, बहुत ज्यादा उन्होंने कार्य किए हैं। रोड नहीं, मौजूदा विधायक ने कुछ कार्य कराए हैं? हाँ जी, मौजूदा विधायक ने कोई कार्य कराया इस बार। अच्छा, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव।